बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तुलबा, इस वीडियो में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, तो पहले मैं टेबल से आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है। टेबल में हमने जो टोटल फासला मालूम करना है जो बॉडी इधर से इधर तक आई है। ठीक है, ये टोटल फासला, ठीक है, इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा जमा इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। रेक्टेंगल हमारी बनती है ओ ए सी डी, ठीक है, और ट्राई एंगल बनती है ए सी बी। मुस्ततील यानी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ जर विथ, और जो ट्राई एंगल का एरिया होता है वो होता है 1/2 लेंथ जर विथ। ठीक है, अब ये आपके सामने है, इसका मुस्ततील का एरिया लेंथ जर विथ होता है, ये लेंथ है और इसकी विर्थ वी आई है, तो वी आई जरब टी कर दिया। अब इसका 1/2 लेंथ, ये लेंथ आ गई और विर्थ ये ए टी के बराबर है, ये इसके बराबर आ गई। मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राई एंगल बराबर होता है 1/2 लेंथ जरब विर्थ। ठीक है, अब 1/2 मैं अब आपको दिखाता हूँ। ट्राई एंगल में लेंथ हमारे पास ये टी है और विड्थ हमारे पास ये ए टी है। ठीक है, मैं उसको लिख रहा हूँ। ठीक है, लेंथ हमारे पास आ गई टी और विड्थ आ गया ए टी। अगर हम इसको ज़रब दें तो हमारे पास आता है 1/2 ए टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मैं एरिया ऑफ रिक्टेंगल निकालूंगा यानी मुस्ततील का एरिया, एरिया ऑफ रिक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएगा ओ ए सी डी, इसका हम एरिया निकालेंगे जो के बराबर आएगा लेंथ जरब विड्थ। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे आएगा। ये हमारे पास इसकी लेंथ है, ठीक है, और ये विड्थ है हमारे पास। टी लेंथ हो गई और विड्थ क्या हो गई, वी आई। इन दोनों को जरब करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वी आई जरब टी यानी वी आई टी। ठीक है, अब हम टोटल एरिया को फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को, सॉरी, तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, हमारा बराबर आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जमा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, वी आई टी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है 1/2 ए टी का स्क्वायर। ठीक है, अब जो टोटल हमारे पास फासला है यानी टोटल डिस्टेंस है, इसको एस से ज़ाहर करेंगे तो ये इसको पहले लिख लें तो ये आ जाएगा 1/2 ए टी का स्क्वायर जमा वी आई टी। ठीक है, आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।